I saw marriage. Isomerism complex. Compound. Isomerism complex compound. Isomerism complex compound. Likh de. Complex compound shows. Complex compound shows two types of isomerism. Shows two types of isomerism. ऐसे देखें. Shows two type of isomerism. Isomerism. आइसोमेरिज तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड सेकेंड इज स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज स्टीरियो आइसोमेरिज फर्दर दो टाइप की ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल बोलो आइसोमेरिज ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में क्या होता है आइसोमर डिफर्स इन द एयर आईयूपीएसी नेम आइसोमर डिफर्स इन द एयर व्हाट बोलो आईयूपीएसी नेम. स्टीरियो आइसोमर है सेम आईयूपीएसी नेम दे डिफर्स इन ओरिएंटेशन सेम आईयूपीएसी बट डिफर्स इन बोलो डिफर्स इन 3D ओरिएंटेशन डिफर्स इन व्हाट बोलो 3D व्हाट बोलो ओरिएंटेशन ठीक है. तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है स्ट्रक्चरल एंड व्हाट बोलो स्टीरियो. सबसे पहले निकालते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज स्ट्रक्चरल वही बोले एक ही बात बट बॉन्डिंग रिमेन्स सेम बट बॉन्ड का ओरिएंटेशन अलग अलग यहां बॉन्ड ही बदल जाएगी. बॉन्ड बदल जाएगा तो क्या आईयूपीएसी नेम बदल जाएगा बट वहां पे आईयूपीएसी नेम बेसिकली क्या रहेगा सेम रहेगा बिकॉज बॉन्ड्स आर सेम बट देयर 3D ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. आया समझ में. एसी चला यार गर्मी लग रही. तो इस हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में देखिए क्या क्या है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज इंक्लूड्स ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज फर्स्ट देखिए आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज सेकेंड इज लिंकेज लिंकेज आइसोमेरिज लिंकेज आइसोमेरिज थर्ड इज हाइड्रेशन
आइसोमेरिज या इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन, आइसोमेरिज। फोर्थ इज लीगेंड आइसोमेरिज। लीगेंड आइसोमेरिज, लीगेंड आइसोमेरिज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, आइसोमेरिज। एंड सेवेंथ इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज। तो ये सेवन टाइप्स ही क्या है स्ट्रक्चरल, व्हाट बोलो, आइसोमेरिज, ठीक है। तो अब बिन्हीं को बारी बारी से देख लो। फर्स्ट लिखे आइसो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। In this type of isomerism, isomer differs in the type of ions produced. Type of ions, bolo, produced when complex compound is dissolved in water. When complex compound is dissolved in what, bolo? Water, which breaks ionic bond. Which breaks ionic bond and hence causes bolo ionization. For example, dekhen, theek hai, let's say we have a complex like FeH2O5 SO4NO3, ठीक है। और इसमें कौन लिख रहा है, दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाई कॉम्प्लेक्सेस विथ पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाई कॉम्प्लेक्सेस विद पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऐसे लिख लीजिएगा। वी आर राइटिंग अबाउट आयोनाइजेशन ना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। इस तरह का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कैसे, मेटल लिगेंड एक्स और यहां क्या है पॉजिटिव, और यहां क्या होना चाहिए, अरे बोलो, एनायन, और इनके बीच में बॉन्ड कैसी है, और इसको पानी में डालेंगे तो क्या शो करेगा, आयोनाइजेशन, अरे ठीक है। और मिलेगा क्या पानी में डालने पर, MLX प्लस प्लस व्हाट बोलो, एनायन। और यहीं पे डिफरेंस आएगा,
यही भी क्या है बोलो डिफरेंस। और जब भी आप आइसोमर बनाते हैं तो क्या होता है बोलो, वैलेंसी रूल वायलेट नहीं करते हैं। अब कहीं आइसोमर बनाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या रखेंगे, तीन थोड़ी ना कर देंगे, चार हमेशा रहे। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी आइसोमर बनाए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शुड नॉट वायलेट। ये नहीं कि एक कॉम्प्लेक्स बनाया छह से और फिर चार से बना दिया। आइसोमर शुड हैव व्हाट बोलो, सेम प्राइमरी एंड व्हाट बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी। तो वैलेंसी रूल आइसोमर में वायलेट नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं कंपाउंड दिया कार्बन का, एक में कार्बन की दो वैलेंसी दिखा दी, एक में तीन दिखा दी। तो इस तरह के आइसोमर है, ठीक है। अब ये कंपाउंड लिया बाय द वे, वी कैन राइट अगेन इट एज, तो इस कंपाउंड अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Fe(H2O)5 बोलो SO4NO3। तो NO3 क्या रहा होगा माइनस, ये क्या रहा होगा प्लस। व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन, क्या रही होगी बोलो, +3। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, 6, ठीक है। तो जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, H2O डिसोल्यूशन, H2O में डिसोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, Fe बोलो H2O5 व्हाट बोलो SO4 और क्या आएगा चार्ज, प्लस व्हाट बोलो NO3 माइनस है। और ऐसा ही कंपाउंड ऐसे लिख दें क्या, Fe(H2O)5 NO3 बाहर कर दें SO4। अरे ठीक है, इसको पानी में डिसॉल्व करें, H2O डिसॉल्यूशन, H2O डिसॉल्यूशन कॉजेस आयनाइजेशन, सेपरेटिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। यहां आयनिक बॉन्ड कहां है, तो क्या बनेगा फाइनली यहां पर, Fe व्हाट बोलो H2O5 बोलो NO3। अब चार्ज क्या है, 2+, लेकिन आयरन की वैलेंसी अभी भी +3 है। आयरन इज स्टिल व्हाट बोलो, +3 ऑक्सीजन स्टेट। तो ये दोनों कैसे आइसोमर हुए, आयनाइजेशन गिविंग डिफरेंट एनायंस। और एक क्या एंडिंग किसमें आएगी, नाइट्रेट में एक एंडिंग, सल्फेट में, नाम तो अलग है ही। अरे आया समझ में, और इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। और ये आयन अलग और ये आयन, एंड दीज एक्वेस आयन्स विल रिस्पॉन्ड टू देयर एनालिटिकल व्हाट बोलो टेस्ट। नाइट्रेट आयन का अपना अलग टेस्ट और सल्फेट आयन का अपना अलग टेस्ट। दीज आयन्स रिस्पॉन्ड टू व्हाट बोलो, इट शोज बोलो, इट शोज इज बोलो एनालिटिकल बोलो टेस्ट। ये आया समझ नहीं आया, ये ऐसे लिख लिया, ये कंपाउंड। व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ निकल, अरे ठीक है। तो यहां पे कौन, एक बार क्या बाहर आएगा कॉम्प्लेक्स से बोलो, एक बार क्या बाहर आएगा बोलो, नाइट्रेट बाहर करो, फिर क्या कर सकते हो, एक बार आयोडाइड बाहर कर दो, फिर बोलो ब्रोमाइड बाहर कर दो, और फिर एक बार बोलो तो, कितने आयनाइजेशन आइसोमर्स, चार। H2O को बाहर नहीं कर सकते, अरे ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वायलेट नहीं, मतलब प्राइमरी ना सेकेंडरी वैलेंसी, अरे दिखा नहीं दिखा। तो दिस हैज 4 बोलो आयोनाइजेशन
आइसोमर्स फोर आयोनाइजेशन बोलो आइसोमर्स आ गया समझ बात आ गई नहीं आ गई और सबके अपने अपने टेस्ट नाइट्रेट का अलग आयोडाइड ब्रोमाइड फ्लोराइड सब क्या अलग और टेस्ट किसका है उसी एनायन का एनालिटिकल टेस्ट इज गिवन बाय सिंपल एक्वस आयंस नॉट कॉम्प्लेक्स एक्वस आयन एनालिटिकल टेस्ट इज फॉर व्हाट बोलो सिंपल एक्वस आयन कोई दिक्कत तो नहीं नेक्स्ट कौन सी लिखाई थी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सी है लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखे लिंकेज आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरेज ठीक है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरेज इज शोन बाय एम्बिडेंट लिगेंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय बोलो एम्बिडेंट लिगेंड ठीक है एंड हेंस कॉम्प्लेक्स डिफर्स इन द एटम हेंस कॉम्प्लेक्स डिफर्स इन द एटम लिंक्ड और बॉन्डेड एटम ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स डिफर्स इन द एटम ऑफ लिगेंड व्हिच इज लिंक्ड और बॉन्डेड विद ट्रांजिशन मेटल आयन लिंक्ड और बॉन्डेड विद ट्रांजिशन लिंक्ड और बॉन्डेड विद ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर एग्जाम्पल के फोर बोलो FeCN6 सिक्स एंड वॉट बोलो के फोर एफ ई वॉट बोलो NC6 तो वॉट इज डिफरेंस वी हैव यहां कौन लिंक कर रहा है कार्बन यहां कौन लिंक कर रहा है तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय एम्बिडेंट लिगेंड्स आगे समझ में और एम्बिडेंट लिगेंड कौन कौन से अपने पास है CN माइनस व्हाट बोलो NC माइनस और कौन कौन सी NO2 माइनस ONO माइनस अरे ठीक है और OCN माइनस NCO माइनस SCN माइनस NCS माइनस अरे ठीक है और कौन से बोलो S2O3 2 माइनस एंड OS2O2 2 माइनस यहां सल्फर लिंक कर रहा है यहां ऑक्सीजन तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट बोलो एम्बिडेंट ठीक है दिस आइसोमेरिज्म इज मी शोन बाय व्हाट बोलो एम्बिडेंटली नेक्स्ट लिखे और नेक्स्ट कौन सी है नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सी लिखाई हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म लिखे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म This type of isomerism, is shown by
The complexes in which water molecules are present. Water molecules are present. Which can act as ligand. Ligand as well as water of hydration. ठीक है. एंड वॉटर ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम एनायन. ऑलवेज एसोसिएटेड विद बोलो सम एनायन. इनफैक्ट water molecule is present in the void space created by the anion. Void space created by the anion. For example, देखें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CrH2O6Cl3. लेट्स से वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स और ये मालूम है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6. व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी +3. H2O मॉलिक्यूल है. नाउ वी कैन राइट इट एज व्हाट बोलो CrH2O5. एक Cl अंदर गया फिर और क्या गया एक H2 और फिर ये Cl2. इनफैक्ट ये जो क्लोराइड आयन आया है इस तरह से आयन आएगा और इसके बीच में कौन ट्रैप होगा बोलो H2. वाटर मॉलिक्यूल इज ट्रैप्ड इन दी वॉइड स्पेस क्रिएटेड बाय व्हाट बोलो एनायन. अगला इस ओवर देखिए इसका व्हाट वी कैन राइट Cr व्हाट बोलो H2O4 Cl2. फिर क्या आएगा बोलो 2H2O बोलो Cl. कोई दिक्कत नहीं. फिर अगला क्या आएगा Cr व्हाट बोलो H2O3 Cl3 डॉट. दिस कैनॉट बी कंसीडर्ड एज हाइड्रेशन आइसोमर बिकॉज वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद एनायन. आखिर रहेगा कहां. इनफैक्ट है क्या ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड वॉटर और कंपाउंड मिक्सचर में अंतर होता है. तो जब भी वॉटर मॉलिक्यूल बाहर करें इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम एनायन. अदरवाइज सिस्टम बिहेव्स लाइक मिक्सचर. नेक्स्ट लिखे लीगेंड आइसोमेरिज्म. लीगेंड आइसोमेरिज्म. इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अकर्स इन लीगेंड इटसेल्फ. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अकर्स इन लीगेंड इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल देखिए FePn3SO4 and FeTn3. तो PN TN क्या है सब आपस में ही. What is PN? Propylene बोलो Diamine. What is propylene diamine? This is what बोलो propylene.
What is TM? Trimethylene, बोलो. Structural isomerism is occurring in. और कौन सा एग्जाम्पल? BN and IBN. ब्यूटाइलिन डायमिन एंड आइसोब्यूटाइलिन डायमिन, दो ही पेयर है अपने लिए. एक PN, बोलो PNTNN. एक PNTN का पेयर हो गया और दूसरा बोलो BNN. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अकर्स इन लिगेंड इटसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म This type of isomerism occurs in the complexes. This type of isomerism occurs. This type of isomerism occurs in the complexes in which both cationic and anionic part are complex. In which both cationic and anionic part are complex. Both cationic and anionic part are bolo complex. And it occurs by partial or complete. Partial or complete exchange of ligands. Partial or complete exchange of ligands. तो किस साइड में कॉम्प्लेक्स में रहेगी? इसमें कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स और व्हाट? एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स. मेटल कोई लीगेंड एक्स, मेटल डैश, लीगेंड डैश, लेट से वाई, इस तरह से. और बीच में कौन सी बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड. ठीक है, और इंटरचेंज करते वक्त अगर ये सिचुएशन आ जाए, जीरो जीरो, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज मिक्सचर. Considered as coordination isomer. It is what below? Mixture of two complex compounds. It is mixture of two or below complex compound. और नाम तो वैसे ही बोलेंगे, पहले कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम. ठीक है, और इसमें हम लोग एक ऐसी assumption मान लेते हैं, हालांकि जरूरी ट्रू हो, मेटल की जनरली क्या मान लेते हैं? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जो इधर है और वही इधर, इक्वल मान लेते हैं. और नहीं हो तो दे निकाला जाएगा. जैसे मैं पास ये कॉम्प्लेक्स देखिए, लेट्स से Fe(H2O6)CO(Cl6). व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? क्या माने, क्या लिखें? इसको X, इसको Y. व्हाट इक्वेशन भी है? X प्लस वाई बोलो
इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, एज्यूमिंग x टू इक्वल टू y कितना आ जाएगा? और कोई तरीका ही नहीं भाई, चार्ज बैलेंस के अलावा क्या लगा है? जनरली हम क्या मानते बोलो, यानी व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स? क्या है बोलो? प्लस थ्री. व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट? ठीक है. व्हाट इज चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? थ्री प्लस. व्हाट इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर? और बीच में कैसी बॉन्ड है? आयनिक. लेकिन चार्ज वार्ज भले ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदलता रहे, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल शुड रिमेन सेम इन ऑल आइसोमर्स. तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स को हमने ऐसे लिखा, देखिए एक तो आइसोमर यही हो गया, दूसरा क्या लिखा? Fe बोलो H2O5Cl. व्हाट इज चार्ज नाउ? प्लस थ्री था यार, Cl आ क्या आ गया? प्लस टू. और यहां क्या आ गया? Fe बोलो सॉरी CO. CO बोलो H2O और Cl कितना हो गया? 5. प्लस 3 माइनस 5, व्हाट इज चार्ज? माइनस 2. और बीच में कौन सी बॉन्ड? आयनिक. Fe H2O4 Cl2, व्हाट इज नाउ चार्ज? प्लस 1, गिविंग बॉन्ड. यहां पे क्या आएगा? CO H2O2 Cl4, व्हाट इज चार्ज? माइनस 1. बीच में कौन सी बॉन्ड? आयनिक. ठीक है, और देखें इसे, इसके आगे क्या होगा? Fe H2O3 बोलो Cl3, व्हाट इज चार्ज नाउ? जीरो. CO H2O3 बोलो Cl3, व्हाट इज चार्ज? जीरो. सो दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज बोलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर. लेकिन अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्या? Fe बोलो H2O कितना आ गया? 2. Cl कितना हो गया? 4. व्हाट इज चार्ज नाउ? माइनस 1. इसके बाद इधर क्या आएगा? CO H2O कितना हो जाएगा? 4. Cl कितना हो जाएगा? कितना जाएगा बोलो? व्हाट इज चार्ज नाउ? ये तो है ही है, ये अलग बात हो गया ना, आयन पहले आ गया, कटायन बाद में. फिर इसके बाद क्या आएगा? Fe व्हाट बोलो? H2O बोलो Cl5. व्हाट इज चार्ज नाउ? 2 माइनस. इधर क्या आएगा? CO बोलो H2O5 Cl. व्हाट इज चार्ज? प्लस 2. एंड इन लास्ट वी हैव व्हाट? Fe व्हाट बोलो? Cl6 बोलो CO H2O6 बोलो 3 प्लस. नाउ सिस्टम है इस बोलो आयनिक बॉन्ड. तो कितने आइसोमर हो गए इसके कोऑर्डिनेशन बोलो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गया. 6 6 कोऑर्डिनेशन आइसोमर. कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कोऑर्डिनेशन आइसोमर समझ में नहीं आया? पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ व्हाट बोलो ना. अगर ये आइसोमर ये कर दे, देखिएगा Fe H2O बोलो 6 एंड Fe Cl6, दोनों तरफ मेटल सेम कर दिया,
कब तीन आएंगे, बाकी रिपीट हो जाएंगे, बाकी हो जाएंगे रिपीट। थ्री कोऑर्डिनेशन, आइसोमर्स, अरे आया समझ नहीं आया, कर लेंगे ना, इसलिए ये लिख दें CuNH3 4, PtCl 4, बना लेना, कितने आएंगे, चार, अच्छा वो हाँ छह आए, चार आएंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस, सो व्हाट इज ओवरऑल चार्ज हियर, नाम क्या रखेंगे, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, कर रही ना इसे, कितने आएंगे इसमें बोलो, फोर कोऑर्डिनेशन, आइसोमर्स, एंड इफ यू हैव CuNH3 4, CuCl 4, then we'll have two. नेक्स्ट डे कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज, कोऑर्डिनेशन पोजिशन पोजिशन, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज, ठीक है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज अकर्स इन द कंपाउंड involving bridge ligands, involving bridge ligand, and it occurs by partial or complete exchange of, and it occurs by partial or complete exchange of non-bridging ligands, non-bridging coordination position, ठीक है, इसमें तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स है मेटल, और बीच में कैसी लिगेंड बोलो, दीज आर व्हाट बोलो, ब्रिजिंग लिगेंड, और यहां पे है लेट से L डैश L डबल डैश L ट्रिपल डैश Y, इस तरह का कॉम्प्लेक्स, तो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड कौन सी है, ये ऊपर वाली कौन सी है ब्रिजिंग, इनमें एक्सचेंज करें, पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ, पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ व्हाट बोलो, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स, जैसे इस तरह देखिए Fe H2O4 ClNH2
Fe NH3 4 SO4 ये कॉम्प्लेक्स है, किसको एक्सचेंज करें? H2O और अमोनिया, और पूरा कर देंगे तो सेम हो जाएगा। अरे ठीक है, तो इन लीगेंड्स को क्या करें, एक्सचेंज करें। H2O यहां क्या आएंगे, चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, और फिर रिपीट। कितने आए सुमर आए, चार, फोर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। अरे ये भी तो है, अरे आई बात समझ में, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स में है जहां डाई न्यूक्लियर होने चाहिए, दो न्यूक्लियस होने चाहिए ट्रांजिशन मेटल, और पार्शियल और कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ व्हाट बोलो, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड को तो छोड़ने दो, उनको तो छेड़ना नहीं, हमें किसका एक्सचेंज करना है, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स। ये इतना ध्यान से गिनना, हाँ एक यानी एक कम और होगा, करेक्ट, बिल्कुल सही, राइटली क्या आएंगे, अरे एक यहां पे क्या आएगा, सेम सिचुएशन आ जाएगी, तीन आएंगे, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, इट विल हैव थ्री, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमर्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट लिखिए कौन सा है, पॉलीमराइजेशन, नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरेज, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, तो लिखते हैं, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कंसीडर्ड एज, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कंसीडर्ड एज, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। In this type of isomerism, in this type of isomerism, isomers have same empirical formula, isomers have same empirical formula, and there can be infinite numbers of polymerization isomers, infinite numbers of polymerization isomers, ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा, empirical formula will remain, but this is not the condition of what, बोलो, isomerism. लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं और मान लेते हैं, यहां एम्पिरिकल फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सेस आर रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिखेंगे, ये ए है, ये क्या हो गया A2, ये A3, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स हो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 और बोलो A3। जैसे आप बस एक कॉम्प्लेक्स देखिएगा, CO H2O6 वॉट बोलो, CO H2O3 Cl3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, लेट वी कॉल दिस एज ए, वी कॉल इट एज वॉट बोलो ए। व्हाट इज रेशियो ऑफ कोबाल्ट इज टू H2O इज टू Cl, 1:3:3, वी कॉल दिस एज ए। नो हम हमने दूसरा आइसोमर लिखा लाइक CO H2O6
CO Cl6. But primary and secondary valency remains same. Now what is this complex? We can write it as what follow? A2. It's got two times ho gaya na. What is the ratio here? 2:6 is 2:6. And fundamentally it is. The empirical formula remains. वैसे तो isomer थोड़ी न हुए. अरे ठीक है. So they are example of what? बोलो. ऐसे देखो यार इसको. COH2O6 3 plus का charge और CO व्हाट इज चार्ज हियर क्या आएगा बोलो प्लस 3 5 माइनस क्या आएगा ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सेम रही और इनसे कॉम्प्लेक्स क्या जनरेट होगा अगर ये एन इंटरेक्ट करें तो क्या कॉम्प्लेक्स आएगा तो व्हाट इज फॉर्मूला बी है फाइनली COH2O6 क्या आ गया होल ट्वाइस COH2O व्हाट बोलो Cl5 होल ट्वाइस नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 और 2, 5 व्हाट इज नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल 12 और 3, 15 व्हाट इज Cl नंबर इट इज A5 अरे दिखा विदाउट वायलेटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली लेकिन बोला जाए तो इस सेंस है देख लीजिएगा एंड वी रिप्रेजेंट कंपाउंड एज A1, A2, A3, A4 ऐसे कर करके जितने मर्जी आप बनाते रहो ठीक है इसके बाद क्या करोगे एक एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो दो मेटल ले आओ अरे भी तो कर सकते हो एक कोऑर्डिनेशन में क्या ले आओ बोलो दो ले आओ तीन ले आओ पांच ले आओ दस ले आओ बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शुड नॉट वायलेट कोबाल्ट की ऑक्सीजन नंबर शुड बी +3 एंड पर कोबाल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड शुड बी 6 अरे आया समझ में तो पॉलीमराइजेशन ऐसे समझ में नेक्स्ट लिखे जल्दी से लिखो नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज स्टीरियो आइसोमेरिज मीन कॉम्प्लेक्स स्टीरियो आइसोमेरिज मीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज इन व्हाट बोलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठीक है इसमें देखें फर्स्ट लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो लिख लें इसमें ठीक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शोज Does not show, you know, geometrical isomerism because relative position of ligand remains, you know, same. Relative position of ligand remains
because relative position of ligand remains same. ठीक है, जैसे अगर कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मेटल और ये चार लीगेंड ले लिया L1, L2 व्हाट बोलो, L3 एंड व्हाट बोलो L4, तो क्या होगा? L4 से L3 कितने एंगल पे है? 109. L4 से L2 109 एंड L4 से L1, तो इनको अगर हम इंटरचेंज भी कर दें, यहाँ L1 ला दें, यहाँ L3 ला दें, यहाँ L2 ला दें, यहाँ L4, अभी भी L4 से L3 109 और एरियल डिस्टेंस रिमेन्स सेम. तो चारों लीगेंड भले ही अलग क्यों ना हो जाएं, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल दो फोर लीगेंड्स आर व्हाट डिफरेंट, बट रिलेटिव पोजीशन ऑफ लीगेंड रिमेन्स सेम. सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एनी कंडीशन. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या वेरी करता है? एरियल डिस्टेंस. क्या डिस्टेंस वेरी करता बोलो? एरियल डिस्टेंस. तो यहां पर तो नहीं आए. सेकेंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल बोलो कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, डन. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अंडर टू कंडीशन. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अंडर टू कंडीशन. क्या क्या कंडीशन है? पहला, ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट, यानी मेटल इज बिहेविंग लाइक कायरल सेंटर. अरे ठीक है. और दूसरी कंडीशन है, देखिएगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड. ए बी क्या है? उसके डोनर एटम ए और बी क्या है बोलो? इधर से डोनेट हो रहा है, इधर से एक ए डोनर हो, एक जैसे ऑक्सलेट आयन कैसा है? सिमेट्रिकल, दोनों में ओ डोनर. ग्लाइसिनेट इज एक एंड डोनर, एक ओ डोनर, कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल. जब दोनों डोनर अलग हो तो क्या बोलते हैं उसको? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड. दोनों डोनर सेम हो तो क्या बोलते हैं? तो ये दोनों सिस्टम अपनी मिरर इमेज में क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोसिबल. यानी ये बनाए और इसका मिरर इमेज यहां बनाए, इसकी मिरर इमेज और ये दोनों केसेस क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये. तो ये कंडीशन तो आप लोग अपना ऑर्निंग मशीन पढ़ते हो, बट दिस इज एक्स्ट्रा कंडीशन. हाँ, बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लिगेंड को दिखाने की प्रैक्टिस करते. ए मतलब दोनों डोनर क्या है, इसको बोलते हैं क्या? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड. सिमेट्रिकल बोलो बाई डेंटेट लिगेंड. और अगर डोनर एटम अलग अलग हो क्या बोलते हैं इसको? अनसिमेट्रिकल. बाई डेंटेट लिगेंड. तो दो कंडीशन समझ में ही नहीं आई क्या? लिगेंड सेम हो, सेम ही लिगेंड है दोनों ए और बी. अरे लिगेंड दोनों ही सेम है. हाँ, वो भी जो करेगा. लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं कि दोनों अलग अलग लिगेंड हो जाएं. पॉसिबल है, जनरली भी है दिस. ठीक है, जैसे ZN ग्लाइसिनेट. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिंक हियर? जिंक इज +2 स्टेट में. +2 मतलब D10. D10 में तो बात ही खत्म. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हियर? अरे आयस ऑन में. व्हाट इज स्टेट ऑफ जिंक हियर?
बिकॉज ग्लाइसिनेट इज माइनस वन. ग्लाइसिनेट कौन सी लिगेंड होती है? CH2CO- and what? NH2. इसको शॉर्ट में दिखाते हैं ON. शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? बोलो जिंक ON ON ऐसे ऐसे करके कुछ ही बना लो. अरे आया समझ में? तो ज्योमेट्रिकल होती नहीं और क्या होगा बोलो? ऑप्टिकल अंडर टू कंडीशन. और एक कंडीशन और लिस्ट आउट करना चाहो तो क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट वी हैव एम व्हाट बोलो? ए बी और ये सी डी. इधर ए और बी डोनर, उधर सी. ये भी पॉसिबल है बट ये ऐसे कॉम्प्लेक्स मिलना बहुत क्या होता है मुश्किल. अरे आई बात समझ में? और ऐसे भी कॉम्प्लेक्स मिलना बहुत मुश्किल बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट सिंथेसाइज विद अ कॉम्प्लेक्स हैविंग ऑल फोर लिगेंड डिफरेंट. थर्मोडायनेमिकली इट इज डिफिकल्ट. ये आ गया समझ में? नहीं आ गया तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल समझ में आया? इन वॉट बोलो? टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट देख लें. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन स्क्वायर प्लेनर. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन वॉट बोलो? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. देखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज मीन व्हाट बोलो? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है इसमें लिख लीजिएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर प्लेन इज द प्लेन ऑफ. नहीं समझ में? नहीं है? अरे आया मोलर प्लेन स्लाइस कट. राइट वर्ड इज स्लाइसर. इसलिए हम उसमें ऑप्टिकल की तो बात ही नहीं करेंगे. वी हैव एम. चाहे चारों लिगेंड अलग अलग क्यों ना हो जाएं, दिस इज अवर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. स्लाइस कट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? L1/2 आधा ऊपर और मेटल भी आधा ऊपर और आधा नीचे. L2/2 नहीं है ऐसा? अरे आया समझ में? नहीं आया? सो मॉलिक्यूलर प्लेन इज वॉट? PS. इसमें ऑप्टिकल की बात नहीं करेंगे. टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं और स्क्वायर प्लेनर में और बचा सिर्फ क्या अपने पास? ज्योमेट्रिकल. वो कंडीशन हम लिखे दे रहे हैं. कंडीशन देखिए. फर्स्ट कंडीशन MA2B2 बंद कर देते. MA2 बोलो B2. A2 मतलब यार दीज आर मोनोरेंटेड लिगेंड्स.
ए क्या और बी क्या है, बोलो कैसे बनाएंगे इसको, एम बोलो ए और ए, बी और बी, एम ए और ए, बी और बी। यहां ए टू ए जाने के लिए वी डोंट हैव टू क्रॉस मेटल थ्रू शॉर्टेस्ट रूट, यहां से यहां ए टू ए जाने के लिए वी हैव टू क्रॉस मेटल या एरियल डिस्टेंस अलग अलग, वी कॉल दिस फॉर्म एज सिस। अरे आया समझ में, एक कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन देखें, एम ए टू बी सी, एम ए टू बी सी में क्या होगा, ए ये कॉम्प्लेक्स है, सॉरी बीसी, तो देखे ये कौन सी फॉर्म हुई, सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे इसे, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए, सिस विद, यहां पे सिस विद रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज बी, यहां ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए एज वेल एज बी, ये दिखाया समझ में, बी सी ठीक है। थर्ड कंडीशन, ठीक है थर्ड देखिएगा, एम ए बी सी डी ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट, ए यहां एक बार बी रखो, एक बार सी रखो, एक बार डी, थ्री जी आई, बट सिस ट्रांस कैनॉट बी यूज, इजेड विजेड जो यहां इजेड वैसे नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, कितने ज्योमेट्रिक क्लास हमारे आएंगे, बट सिस एंड ट्रांस नॉमिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड, सिस एंड ट्रांस नॉमिनेशन, यहां कितने ज्योमेट्रिक क्लास हमारे आए, दो, यहां कितने आए, दो, यहां कितने आएंगे, थ्री, एक बार बी रखो फिर जो बच्चे इधर डाल दो, एक बार सी, एक बार डी, और ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑल हैव स्क्वायर प्लेनस पीएस,